नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 24 फरवरी। चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को। भारत बंद का असर दिखा बिहार में भी। 23 तारीख को सभी विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में भी देखने को मिला। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने पहले ही बंद का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दरभंगा, बाढ़ और जहानाबाद में बंद समर्थकों ने ट्रेन रोककर अपनी आवाज उठाई। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ड्राइवर और कंडक्टर पदों के लिए निकाली रिक्तियां। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ड्राइवर और कंडक्टर पदों के लिए 3,745 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक www.ksrtc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे कुमुदलाल गांगुली उर्फ अशोक कुमार के बारे में। बिहार के भागलपुर जिले में जन्मे अशोक कुमार को कई लोग प्यार से दादा मुनि भी बुलाते हैं। एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त किया था। भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ उन्हें 1988 में सम्मानित किया गया था, और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1999 में पद्म भूषण भी मिला था। नियोजित शिक्षकों से चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा पर निकले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को अपनी पार्टी मैनिफेस्टो के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आपकी समस्या को मैं पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करूंगा। इतना ही नहीं, अपनी यात्रा पर निकले चिराग पासवान ने सभी नियोजित शिक्षकों को न्याय दिलवाने का भी दावा किया है। मधेपुरा के सामा चकेवा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मधेपुरा जिले का सामा चकेवा पर्व काफी प्रसिद्ध है। यह पूरे मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह पर्व नवंबर माह के शुरू होते ही शुरू हो जाता है और 8 दिनों तक लगातार चलता है। इस पर्व का संबंध भाई बहनों के प्यार से है। रुक रुक कर हो रही बारिश से गेहूं की फसल का होगा फायदा। ठंड के खत्म होते ही बीते दिनों से हो रही बारिश का असर इस बार फसलों पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, जिसके तहत रुक रुक कर हो रही बारिश का असर गेहूं की फसलों के लिए लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, सरसों चना अरहर की फसल पर फूल आने लगे थे। इतना ही नहीं, बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हालांकि बारिश होने से ठंड में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला न्योता। 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बेटी के स्वागत की तमाम तैयारियां की जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ट्रंप से मिलने का न्योता भेज दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर 25 फरवरी की रात राष्ट्रपति भवन में भोज रखा गया है। इतना ही नहीं, ट्रंप से मिलने के लिए देश के कुछ चुनिंदा नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। नियोजित शिक्षकों को नौकरी पर लौटने का मिला आखिरी मौका। नियोजित शिक्षकों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार अब सभी नियोजित शिक्षकों पर सख्ती से पेश आने वाली है, जिसके तहत सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। इसके तहत सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों से 25 फरवरी तक काम पर लौटने की अपील की है, नहीं तो उन सभी शिक्षकों को काम से बाहर करने का निर्देश भी जारी किया है। बिहार विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था के किए गए इंतजाम। विधानसभा सत्र को लेकर बिहार में तमाम सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं। रविवार को पटना के डीएम कुमार रवि ने विधानसभा परिसर का जायजा लिया और साथ ही सत्र के दौरान सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं आपको बता दें, मौके पर डीएम कुमार रवि के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में जल्द ही बनने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2 बास्केटबॉल ग्राउंड। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल ग्राउंड बनने जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्क के पास एक ओपन रेस्टोरेंट खोलने का भी ऐलान किया गया है, जहां पर खेलने के बाद खिलाड़ी जाकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। नवादा में 39 शिक्षकों को किया गया वरीय वेतनमान की सूची में शामिल। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के पटना निदेशक ने वरीय वेतनमान के लिए 496 शिक्षकों की सूची जारी की है। जारी किए गए सूची में 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी इन 496 शिक्षकों की लिस्ट में नवादा जिले के 39 शिक्षक भी शामिल है। वहीं आपको बता दें, खबर मिलने के बाद शिक्षक काफी ज्यादा उत्साहित है। कर्मचारी चयन आयोग ने 1355 पदों पर निकाली रिक्तियां। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट के 8वें चरण की भर्ती के लिए 1355 पदों के लिए भर्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 20 मार्च है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। वहीं 23 मार्च तक सभी अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। कन्हैया ने प्रशांत किशोर को साथ आने का दिया न्योता। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने पटना में पैर पसार रहे प्रशांत किशोर को हाथ मिलाने का न्योता दिया है। एनपीआर, एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर कन्हैया ने सभी विपक्षी पार्टियों से साथ आने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इस मुद्दे पर सभी जुड़ जाएं तो देश तुरंत बदल जाएगा।
डीएलएड परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान। बिहार बोर्ड ने डीएलएड परीक्षा 2020 की नई तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत परीक्षा 17 मार्च से 21 मार्च तक चलेगी। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने डीएलएड परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर 25 फरवरी से डाउनलोड करने का निर्देश जारी किया है। रूबन मेमोरियल अस्पताल को मिला भारत के फास्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल का सम्मान। बिहार के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है, जिसके तहत पटना स्थित रूबन हॉस्पिटल को समूचे भारत में फास्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल के सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें कि पटना के पाटलिपुत्र स्थित यह मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट यह अस्पताल बिहार में बेहतर चिकित्सा के लिए जाना जाता है। जिला अध्यक्षों की मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया अहम ऐलान। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जदयू ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों से चुनाव से पहले ज्यादा सोच विचार और साथ ही इधर उधर की बात पर ध्यान न देने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भी दावा किया है। तेजस्वी की लग्जरी बस पर जदयू ने जारी किया नया पोस्टर। बिहार की राजनीति में इस बार पोस्टर का खेल देखने में काफी ज्यादा मिल रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से जदयू ने राजद की लग्जरी बस के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। हाईटेक बस को लेकर उठे विवाद को लेकर जदयू ने दूसरा पोस्टर जारी किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि किस तरीके से तेजस्वी ने अति पिछड़ा समाज से आने वाले एक व्यक्ति के साथ आर्थिक रूप से फायदा उठाया है। बीपीएसएससी के चेयरमैन ने दरोगा अभ्यर्थियों से मांगे जवाब। पिछले कई दिनों से राजधानी पटना में दरोगा अभ्यर्थी दरोगा बहाली की परीक्षा को दोबारा लेने की मांग कर रहे हैं, जिस पर अब आखिरकार जाकर के बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनील कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने सीधे तौर पर क्वेश्चन पेपर आउट होने की बात से साफ इनकार किया है और अगर ऐसा हुआ भी है तो क्वेश्चन पेपर आउट होने के सबूत को साझा करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रविशंकर ने भी चखा लिट्टी चोखे का स्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली के हुनर हाट जाने के बाद रविशंकर प्रसाद ने भी हुनर हाट का जायजा लिया। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भांति लिट्टी चोखा भी खाया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर के जरिए हुनर हाट की तारीफ की, साथ ही साथ लिट्टी चोखे की प्रसिद्धि की भी जमकर सराहना की। कन्हैया कुमार ने सीएए और एनआरसी पर लोगों के समर्थन का किया दावा। बिहार के सभी 38 जिलों में जनगणमन यात्रा पर निकले सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अहम दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सीएए के विरोध में देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को लेकर दूसरे समाज के लोगों की भावनाओं को समझना था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के खूब सारे समर्थन मिलने का भी दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर कसा तंज। चुनावी साल में हर राजनीतिक पार्टी अपने विपक्षी पार्टी पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्षी दलों पर तंज कसा है। जिला अध्यक्ष की आयोजित की गई बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में विपक्षी दलों के पास ना तो अपना कोई मुद्दा है और ना ही कोई कार्यक्रम। अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे से मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ जगहों पर बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने के ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,586 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,646 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 51,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.47 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 69.17 रुपए प्रति लीटर था। बुमराह ने बताया भारतीय टीम में खेलने के पीछे का राज। भारतीय टीम के शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया के तेज से तेज बल्लेबाज बुमराह की गेंदों को खेलने से हिचकिचाते जरूर हैं। वहीं बुमराह अपने इस खेल और गेंदबाजी का श्रेय किसी और को देते हैं। बुमराह का यह मानना है कि वो जॉन राइट ही थे जिन्होंने बुमराह की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें टीम में खेलने का मौका दिया था। व्हाट्सएप के इन यूजर्स को मिल गया डार्क मोड फीचर। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए यह खबर कुछ खास है। कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के साथ साथ आईओएस फोन में डार्क मोड लाने का ऐलान किया था, जिसके बाद यह फीचर कुछ फोन में रोल कर दिया गया था। खबरों के माने तो डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार जो यूजर्स एप्पल टेस्ट फ्लाइट प्रोग्राम का हिस्सा है उन्हें यह अपडेट दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें संजीत कुमार, गयासुद्दीन अंसारी, एमएस देव न्यूज, अजीमो फिरदौस, सोनू कुमार, अमरेश चौधरी, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह, अमित कुमार, कुंदन कुमार, सुपर सोनू, सानू सिंह शर्मा,
प्रिया वर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से विपक्षी दलों द्वारा रविवार को किया गया बंद कितना सही था कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।